हेलो नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी करंट अफेयर में ये हमारा पांचवा लेक्चर है। प्रीलिम्स 2018 के लिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंट के करंट अफेयर है वो डिस्कस कर रहे हैं, हमारा करंट अफेयर का। तो चलिए डिस्कस ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है प्रकृति खोज के बारे में। तो क्या है भाई प्रकृति खोज? यह इन्वायरमेंट के अवेयरनेस का एक इनिशिएटिव है जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो यह हमें ध्यान रखनी है कि इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर करवाने के लिए स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट खोज मतलब स्टार्ट है वो किया गया है। इसमें होगा ये कि जो यंग जनरेशन ना आज के टाइम की, उसको एक्चुअली अवेयर करवाया जाएगा और उसको माइंड को मतलब इस तरीके से सेट किया जाएगा ताकि वो इन्वायरमेंट की तरफ फोकस करे, मतलब वो कंजर्वेशन जैसी चीज़ों पे ध्यान रखे। ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट की तरफ बिल्कुल ही फोकस ना करे और जिससे हमारे क्लाइमेट और इन्वायरमेंट का डिग्रेशन है वो लगातार होता जाए। तो उन सबके ऊपर लगाम लगाने के लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए इसे स्टार्ट है वो किया गया है। और इसे नेशनल ग्रीन क्रॉप्स है उसकी हेल्प से इस प्रकृति खोज इनिशिएटिव को स्टार्ट है वो किया जा रहा है। तो ये कुछ कंटेक्स्ट था जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है मुकंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो यह भी नया टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है जो कि है राजस्थान में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिसेंटली नया टाइगर रिजर्व जो है कि मुकंदरा हिल यह बनाया गया है राजस्थान में। और रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है वो भी राजस्थान में, सरिस्का अभयारण्य है वो भी राजस्थान में। तो देखो एक हम जो टाइगर रिजर्व और जो नेशनल पार्क वगैरह इनका एक अलग से वीडियो है वो हम डिस्कस कर लेंगे प्रीलिम्स से पहले, डोंट वरी। तो वहाँ पे एक बार सारे हम रिवाइज भी कर लेंगे। तो अभी जो करंट अफेयर में जो जो आते हैं वो तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं और उसके बाद जो बाकी रह भी जाएंगे सबको एक साथ हम रिवाइज वो कर लेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो नहीं रहो। अब ये राजस्थान में और रणथंबोर जो टाइगर रिजर्व है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइगर है। तो वहाँ से जो टाइगर है वो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाएंगे क्योंकि ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व के पास में ही बना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं अगला जो आर्टिकल है वो आया है घड़ियाल एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो घड़ियाल एक्सचेंज प्रोग्राम है ना, यह मेन लिए घड़ियाल को एक्सचेंज करने और घड़ियाल को एक्चुअली आगे रिहेबिलिटेट करने के लिए चलाया गया है। घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल एक तरीके से मगरमच्छ की तरीके का एक जानवर है वो होता है। एक्चुअली है IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने वाइल्ड सेंचुरी बनाई है घड़ियाल सेंचुरी वो आती है चंबल वाले एरिया में, क्योंकि जो घड़ियाल है वो मेनली चंबल वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। बट एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये इंडेमिक नहीं है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि भाई इंडेमिक वाला सीन मतलब इंडेमिक क्या होती है। इंडेमिक का मतलब होता है कि वो स्पीसीज जो पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाती हो, उसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हो, तो उसको बोलते हैं इंडेमिक। तो यह हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि चंबल वाले एरिया में इसके लिए सेंचुरी बनाई है गवर्नमेंट ने और यह मेनली IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में इसके लिए गवर्नमेंट ये कर रही है कि ताकि इसको जगह जगह शिफ्ट किया जा सके। जैसे कि अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि वाराणसी वाले एरिया में भी इसके लिए एक तरीके से वहाँ पे भी कुछ मतलब अभयारण्य टाइप कुछ छोटी चीज़ खोली जाए ताकि वहाँ पे भी इनका आवास है वो सिक्योर किया जा सके। तो इनकी ग्रोथ या पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम है वो चला रही है। अगला जो आर्टिकल है वो आया है बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व है यह वेस्ट बंगाल में है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, काफ़ी न्यूज़ में भी था। बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो एक्चुअली मानस जो नेशनल पार्क है ना उससे टाइगर शिफ्ट करने के लिए भी न्यूज़ में था। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्लीज़ कि मानस टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे, मानस या मनसा टाइगर मनसा सॉरी मानस या मनसा नेशनल पार्क कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्सा टाइगर रिजर्व में टाइगर शिफ्ट करने के लिए कंटेक्स्ट में आया है। तो अब उसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं मानस के बारे में। बस आपको मैं बता दूं कि मानस टाइगर रिजर्व है वो सॉरी मानस नेशनल पार्क है वो बुक्सा टाइगर रिजर्व के काफ़ी क्लोज है, इसलिए वहाँ से शिफ्ट वो किए जा रहे हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा पता होना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला जो आर्टिकल है वो है वुड इज गुड कैंपेन। तो वुड इज गुड कैंपेन क्या है? यह मेनली USAID और इंडियन की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो USAID क्या है? USAID है वो है यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये आप इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें वो जान सकते हो, मतलब ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसके बारे में। बस ये देख लेना कि USAID है वो US की एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम है वो करती है। तो ये और इंडिया की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है दोनों ने मिलकर इस कैंपेन को स्टार्ट किया है। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जो कि फॉरेस्ट प्लस या इसका दूसरा नाम हुआ है लैंड एज सर्विस, लैंड यूज सर्विस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट प्लस नाम आ जाए या फिर वुड इज गुड कैंपेन आ जाए या फिर लैंड यूज सेंस वो आ जाए, ये तीनों नाम एक ही हैं। और ये किसके द्वारा चलाए गए? ये चलाए गए US की इंस्टीट्यूट है वो एजेंसी और इंडिया की जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन दोनों के द्वारा इसका चला गया जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें ये बात की गई है इस प्रोग्राम में कि भाई देखो प्लास्टिक और जो स्टील है ना ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमें इको फ्रेंडली चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मतलब अगर जहाँ तक पॉसिबल हो हमें वुड का यूज़ हो करना चाहिए, मतलब लकड़ी का यूज़ हमें करना चाहिए। बट यहाँ पे एक बात ये भी कही कि भाई लकड़ी का यूज़ हमें ऐसा भी नहीं है कि हमें लकड़ी के जो पेड़ पौधों को फालतू में काटते रहे, मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि भाई हमें प्लास्टिक जैसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और वो हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मतलब वुड की जगह सॉरी जो स्टील और प्लास्टिक है इसकी जगह पे हमें वुड को फोकस है वो करना चाहिए, क्योंकि जो बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड या लकड़ी होती है वो बहुत अच्छी होती है और वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है, तो उससे वो बायोडिग्रेडेबल भी होती है तो उससे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला होता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि जो
फॉरेस्ट प्लस प्रोग्राम है या वुड इज गुड कैंपेन आया कैसे, यह है मेनली REDD। REDD क्या है? रेड, यह रेड है, यह है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के, इसके बारे में मतलब जो एक तो फॉरेस्टों का जो पतन हो रहा है ना वनों का, इसको खत्म करने के लिए, इसके साथ ही जो नए फॉरेस्ट हैं उनको लगाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था यूनाइटेड नेशन की, वो है REDD। अब ये REDD है क्या, इसके लिए अब देख लें, यह एक यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क है ऑन क्लाइमेट चेंज उसके अंतर्गत ही आता है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि रेड जो प्रोग्राम है वो आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसके द्वारा ही एक रेड के द्वारा एक प्रोजेक्ट लगा था जो है फॉरेस्ट प्लस प्रोजेक्ट, या आप उसे बोल सकते हो वुड इज गुड कैंपेन, या आप उसे बोल सकते हो लैंड यूज साइंस। तो तीनों नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है, तीनों नाम में आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, एक ही मतलब आएगा। अभी जो रेड प्रोग्राम है इसका मेन मोटिव यह था कि इकोसिस्टम को हमें ध्यान में रख के चलाना चाहिए, और जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना, मतलब जो पेड़ पौधों का पतन हो रहा है, फॉरेस्ट जो खत्म हो रहे हैं, इनको भी हमें बचाना है। इसके साथ जो फॉरेस्ट की जो क्वालिटी भी खराब हो रही है इसको भी हमें संरक्षित है वो रखना है, इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी को सिक्योर करना है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कंजर्वेशन है इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। इसके साथ जो कार्बन एमिशन की मात्रा है वो हमें कम करनी है, क्योंकि कार्बन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा और हमें भी हेल्थ में काफ़ी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी एक लिमिट के बाद कार्बन का जो एक तरीके से उसको अब जो वो नहीं कर पाते हैं, और कार्बन की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट से क्लाइमेट से कम करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ हमने देख ली रेड प्रोग्राम के बारे में। अब बात ऐसी है कि जो रेड प्रोग्राम है ना REDD प्रोग्राम, यह प्रोग्राम मेनली एक्चुअली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तीन है, और इस पे UPSC क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो तीनों के तीनों आप ऐसे कैसे या लाइन बाय लाइन याद कर लेना। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तो ये वो है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, और तीसरी आती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो तीनों है ये इसकी REDD जो है ना रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसकी एक्चुअली पेरेंट्स या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, और यूनाइटेड नेशन का ऑब्वियसली पार्ट है क्योंकि UNFCCC के तहत ये आता है। तो ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली है आर्टिकल को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल है वो है ब्रह्मपुत्रा बोट लेव के बारे में। बात ऐसी है कि देखो ब्रह्मपुत्रा जो वाला एरिया है ना, उस वाले एरिया में काफ़ी स्पीसीज भी पाई जाती हैं, वहाँ पे काफ़ी नई प्रजातियाँ भी, मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी होती हैं, एनिमल की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, मतलब फौना एंड फ्लोरा दोनों वहाँ पर काफ़ी रिच हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक बोट लेब स्टार्ट किया है, ताकि उस बोट के अंदर ही एक्चुअली सारी तरह की लेब के जो इक्विपमेंट वगैरह होंगे वहाँ पर स्टडी या रिसर्च करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। एक वहाँ पर आता है माजुली द्वीप, ये मेनली माजुली जो द्वीप है ना, यह इंडिया का आपको पता है कि एकमात्र जो आइलैंड द्वीप, और इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि यह जिला भी घोषित किया गया है और आसाम का यह जिला है। तो इसके बारे में UPSC काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ भी लगती है, तो यह हमें ध्यान रखना है माजुली द्वीप के बारे में कहाँ पे है, और इसी के अंतर्गत जो ब्रह्मपुत्रा बोट है वो इस वाले एरिया में बनाई गई, ताकि यहाँ पे जो नई स्पीसीज हैं इसके बारे में सारी रिसर्च बोट के अंदर ही की जा सके। मतलब जो लेब, एक लेब होती है ना, उसका सारा सामान एक बोट के ऊपर ही होगा, तो उसको बोट लेब है वो बोला गया है। इससे मैंने B4 बोट के नाम से भी जाना गया है। B4 का मतलब है ब्रह्मपुत्रा, दूसरा है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है बायोलॉजी, और चौथा है बोट। तो ये B4 का मतलब होगा ब्रह्मपुत्रा बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी लैब, मतलब बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में रिसर्च और स्टडी करने के लिए वहाँ पे बोट लैब वो बनाई गई है। अगला देखते हैं, अगला है वो आर्टिकल, वो है माउस डियर के बारे में। तो माउस डियर है, यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, जो कि एक्चुअली जो वर्षाधारी जो फॉरेस्ट होते हैं उस वाले एरिया में, ऐसे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना और पतझड़ जो फॉरेस्ट हैं उस वाले एरिया में यह स्पीसीज़ है, यह डियर है वो पाया जाता है। मतलब इसकी हाइट है वो काफ़ी कम होती है, और उसका जो फेस होता है वो एक तरीके से जो चूहा होता है, माउस होता है उसकी तरीके से होता है, इसलिए उसको माउस डियर है, माउस हिरण है वो बोला जाता है। और यह नाइट रात को घूमता है, रात को विचरण करने के लिए जाना जाता है। और यह इसको है क्यों न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए एक्चुअली वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स वगैरह चले हैं। तो ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी, न्यूज़ वगैरह में आ जाती है, UPSC पूछ सकते हैं कि रिसेंटली कहाँ से एक तरीके से दोबारा आवास वगैरह के लिए कोशिश वो की जा रही है। एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है ट्रैप के बारे में, जो कि UPSC के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। UPSC ट्रैप के बारे में क्वेश्चन पूछती है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले में एक ट्रैप पाई जाती है, दो तीन, वो आप देख लेना। एक तो है चेंचू और दूसरी है लेम्बाडा ट्राइब। तो ये आपको ध्यान रखा, चेंचू ट्राइब और लेम्बाडा ट्राइब हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में पाई जाती हैं। देखो वैसे तो पहले आंध्र प्रदेश था, पर आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया तो बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेट बन गए, इसलिए उस वाले एरिया में दो ट्राइब वो पाए जाते हैं। UPSC मेज द फॉलोइंग में डायरेक्टली से पूछ सकती है, तो ऐसा कैसा माइंड में सेट कर लेना अभी के भी। अगला जो आर्टिकल है वो है मॉनिटर लिजार्ड के बारे में। तो मॉनिटर लिजार्ड के बारे में कंटेक्स्ट ये है कि इसकी काफ़ी स्मगलिंग होती है, एक या एक तरीके से जैसे कि आप गिरगिट वगैरह होता है ना, उसी तरीके का थोड़ा बड़ा जानवर होता है, बड़ा मतलब उसी टाइप का होता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर लिजार्ड। तो अभी कंटेक्स्ट ये था कि इसकी काफ़ी स्मगलिंग वगैरह हो रही है, और इसको लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोग्राम भी चलाए हैं, और यह वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है ना इंडिया का, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आता है। इसके साथ ही एक चीज़ ये है कि जो एक है ना
साइट्स, उसकी भी अपेंडिक्स वन में आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, इसमें 6 शेड्यूल बनाए गए हैं, शेड्यूल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये चीज़ आपको पता है, जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, ये दोनों एक्चुअली से कंप्लीट प्रोटेक्शन में आते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी इंसान इन जानवरों को नुकसान पहुँचाता है जो कि शेड्यूल फर्स्ट में आता है, या फिर शेड्यूल सेकंड के जो सेकंड पार्ट में कोई भी जानवर आता है, अगर उसका कोई भी शिकार वगैरह कुछ भी करता है, तो उस कंडीशन में उसको बेल वगैरह काफ़ी, मतलब जमानत वगैरह में नहीं होती है, वो सारी कंडीशंस वहाँ पे रहती है, क्योंकि वो काफ़ी एक्चुअली उनको प्रोटेक्शन है वो दी गई है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। टोटल 6 शेड्यूल हैं, और 6ठे शेड्यूल में आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रजातियाँ आती हैं, मतलब फसल वाले, पेड़ पौधे वाली, कि जिनका आप प्रोटेक्शन है वो नहीं कर सकते, जैसे अफीम वगैरह हुई, इनका प्रोटेक्शन है वो प्रोविडेशन इसमें किया जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ लेती है मे भी, तो बस हमने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा वो डिस्कस कर लिया। आगे देख, साइट्स के बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया, एक बता दूं साइट्स क्या हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में, अदरवाइज़ फिर अगले वीडियो में आपको फिर बताया जाएगा ये एमएलई है क्या, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत से वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं साइट्स के बारे में। अब देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल है वो है स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड है वो एक इंडेंजर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है, बट अभी इसे रिसेंटली वल्नरेबल में शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब पहले इंडेंजर्ड में था और इसे वल्नरेबल में शिफ्ट कर दिया गया। तो यूपीएससी इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगी, स्नो लेपर्ड है स्टेटमेंट दे देगी कि स्नो लेपर्ड है वो इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, तो आप यहाँ पर गलत कर सकते हो। तो ध्यान रखना कि स्नो लेपर्ड पहले इंडेंजर्ड था, अभी वल्नरेबल में शामिल हो चुका है, IUCN की ने इसे मतलब इस लिस्ट में शामिल है वो किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्यों, क्योंकि देखो जो भी स्पीसीज है जिसकी संख्या 2500 से कम हो जाती है ना, वो इंडेंजर्ड में आती है, और इनकी संख्या अगर 2500 से ज़्यादा होती है, मतलब 2500 से अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो एक्चुअली वल्नरेबल लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए अभी इनकी संख्या स्नो लेपर्ड की बढ़ गई है, इसलिए इनको वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पराली आइलैंड के बारे में। पराली आइलैंड है वो एक्चुअली लक्षद्वीप द्वीप समूह में पाया लक्षद्वीप द्वीप समूह का भाग था, जो कि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी में डूब गया है कंप्लीट तरीके से, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि पराली आइलैंड के बारे में कहाँ पे, तो भाई लक्षद्वीप वाले एरिया में है, लक्षद्वीप वाले हिस्से में था, अब ये कम्प्लीटली पानी में जलमग्न हो गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है डैम सेफ्टी मेजर्स एंड इमर्जिंग एक्शन प्लान के बारे में। तो बात रहते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन एंड तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी, तमिलनाडु वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने डैम सेफ्टी के लिए प्रोग्राम है वो चलाया है, DRIP। अब देखते हैं हम DRIP प्रोग्राम के बारे में, मतलब डैम सेफ जो बांध वगैरह होते हैं इनकी सेफ्टी वगैरह के लिए, क्योंकि देखो बांध होते हैं ना वो काफ़ी लोगों की आजीविका का काम करते हैं, एक्चुअली किसानों को पानी भी सप्लाई करते हैं, सिटीज़ वगैरह को पानी सप्लाई करने में भी काफ़ी अहम रोल है वो उनका होता है, तो इसलिए इनकी सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनका एक्चुअली टाइम टू टाइम इनके जो रिहेबिलिटेट इनको करना जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको रिसाइकिल भी करना होता है, इनकी जो हेल्थ वगैरह, मतलब इनका जो एक तरीके से कंस्ट्रक्शन है उसको मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डैम सेफ्टी के लिए यह ध्यान रखना है आपको, DRIP क्या है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्लान, यह मेनली है इसको, ये DRIP प्रोग्राम इसलिए चला गया ताकि डैम को रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको एक्चुअली उनको उनको वापस से उनका जो रिपेयर वगैरह है वो सारा काम किया जा सके इसके लिए। और इस जो DRIP में जो जितना भी फंड वगैरह आता है वो आता है 80% फंड आता है वो आता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। काम क्या है, डैम को सुधारने के लिए, ताकि सेफ्टी जैसे स्टैंडर्ड वगैरह को ठीक किया जाए ताकि लोगों को नुकसान ना फैल सके। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको फंड दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप कीवर्ड यहाँ पे माइंड में सेट कर लेना। अगला आर्टिकल हुआ है वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। तो वर्ल्ड ओजोन डे है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी, मतलब 2017 की जो थीम थी वो थी केयरिंग फॉर ऑल लाइफ अंडर द सन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा यहाँ पे मोनिट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। देखो मोनिट्रियल प्रोटोकॉल है ना वो ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 1995 में मोनिट्रियल प्रोटोकॉल आया था, क्योंकि उसी टाइम पे हमें पता चला था कि भाई ओजोन लेयर है इसके अंदर एक होल है वो हो गया, तो उसको लेकर सारी बात थी। और अभी तक की सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी रही है मोनिट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि इसमें सभी वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि ओजोन लेयर के लिए सभी कंट्रीज़ एक तरीके से सेंसिटिव हो गई थी और उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप उठाए थे। इसमें इसको अप्रोक्सीमेट 197 कंट्रीज़ ने रेक्टिफाई किया और 197 कंट्रीज़ ने इसमें मॉनिटर प्रोटोकॉल में हिस्सा है वो लिया था। ये एक्टिव फॉर्म में आया था, वो आया था 1989 से। तो ये चीज़ ध्यान रखने की 1985 में मॉनिटर प्रोटोकॉल आया था, एक्टिव फॉर्म में आया था 1989 से, और पहली ग्लोबल एग्रीमेंट है जो कि अर्थ के एटमोसफियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकती है डायरेक्टली, ऐसा कैसा याद वो रख लेना है। देखते हैं आगे, अगला जो आर्टिकल है वो है IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फोना एंड फ्लोरा दोनों के लिए, मतलब पेड़ पौधे और जानवर दोनों के लिए। 1948 में बनाया गया था, पहली इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि IUCN है वो पहली इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। एक सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट और आते हैं इसके,
एक तो यह यूएन की पार्ट नहीं है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि यूएन का जो एक तरीके से जनरल असेंबली है ना, उसका है ऑब्जर्वेशन, एक तरीके से ऑफिशियली ऑब्जर्वर है, मतलब पार्ट नहीं है यूएन का, बस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, उसका एक तरीके से ऑब्जर्वर स्टेट है ऑफिशियली। ये चीज़ दोनों स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियर रखने हैं, पार्ट नहीं है बस उसके साथ मिलकर काम करता है, मतलब सीधी सी बात यही है। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, और वर्ल्ड की पहली इन्वायरमेंट की है ट्रीटी है। इसके साथ इसका काम क्या है, यह केवल ऐसी बात नहीं है कि इन्वायरमेंट के लिए, मतलब एक तरीके से जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, जैसे पॉवर्टी के लिए भी काम करती है, जेंडर इक्वलिटी के लिए भी काम करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है। इवन जो रेड डाटा बुक है वो भी IUCN के द्वारा ही जारी की जाती है, और यह मेनली पॉपुलर भी रेड डाटा बुक की वजह से ही है। तो ये इसके बारे में आर्टिकल डिस्कस कर लिया है, आप इसके बारे में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अगला जो आर्टिकल है वो आया है CCS के बारे में, कार्बन कैपेसिटी एंड स्टोरेज। ये एक्चुअली है क्या, एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड वो होता है CCVS, इसमें होता है कार्बन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन स्टोरेज। दिए इसमें देखो इसी पे फोकस किया जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट में हम क्या कि कार्बन का काफ़ी ज़्यादा एमिशन करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं या फिर और भी सारे काफ़ी तरीके होते हैं जिनसे कार्बन वातावरण में फैलता है। तो देखो जो पेड़ पौधों की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद पेड़ पौधे उस कार्बन को एक तरीके से एक वापस एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये सोचा जा रहा है एक तरीके से, मतलब अभी एक्टिव फॉर्म में आया नहीं है, ये प्रस्ताव किया गया है कि भाई कार्बन को एक तरह इकट्ठा किया जाए, और फिर उसको क्या किया जाए कि अर्थ के अंदर एक तरह जो भी खाली जो बती है ना अंदर माइनिंग वगैरह जो भी सुरंग वगैरह है उसके अंदर उनको स्टोर कर दिया जाए। दूसरा मेथड ये है कि भाई जो भी, जैसे कि आपको पता है कि हम तेल वगैरह निकालते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो उसको निकालने के लिए हम क्या प्रोसीजर करते हैं कि ऊपर से जैसे हम पहले क्या कि होल करते हैं अर्थ के अंदर, ड्रिलिंग करते हैं, उसके द्वारा फिर ऊपर अंदर हाई प्रेशर डालते हैं, फिर उधर साइड से जो है ऑयल वगैरह वो बाहर निकलता है। तो इसमें यह किया जाता है कि जो कार्बन है उसको हम इस वाले एरिया में, नीचे जो ग्राउंड वाला एरिया है उसके अंदर एक से इंप्लीमेंट कर देते हैं या वहां पे डाल देते हैं, उसके बाद जो पेट्रोलियम वगैरह वो उसका हम यूज है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ध्यान रखना कि किससे रिलेटेड वगैरह है, कार्बन CCS और CCVS ध्यान रखना कि कार्बन कैपेसिटी से रिलेटेड है, ताकि कार्बन को कैप्चर करके स्टोरेज वगैरह किया जा सके। ज्यादा याद मत करना ही हो, मैं तो ही बोलूंगा कि रहने देना इसको। तो ये थी हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।